देखिए, बैटरी के बैकअप को समझने के लिए सबसे पहले इसके चार्जिंग के सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो ये है कि जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है 150 AH की, अब यहाँ पे फुल बैटरी जो होती है इसका जो मेन पीक टाइम होता है बैटरी वोल्टेज की जो रीडिंग होती है वो होती है 14.4 यानी 14.4 वोल्ट। उसे आप 14.5 वोल्ट भी समझ सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका फुल चार्जिंग, ये है 12 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस कॉर्नर पे हम इसको मानते हैं ये 14.4 वोल्ट, अब ये बैटरी का जो डाउन पीरियड है, जो डाउन टाइम है, वो है हमारा 10 वोल्ट। ठीक है, किसी किसी में 10.5, किसी किसी इन्वर्टर में, किसी किसी कंपनी में 10.2 होता है, लेकिन 10 वोल्ट मानते हैं इसका मैक्सिमम। अब अगर हम 10 से और 14.4 तक का देखते हैं तो यहाँ पे 1 वोल्ट से अगर देखें तो जैसे 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 14 हुआ, तो ये हो गया 10 से 4 स्टेप पे हो गया, और हाफ वोल्टेज और मान लें ये 4.5 स्टेप हो गया, यानी 5 स्टेप को मान लें। ठीक है, लेकिन अगर 10 से नीचे आते हैं, डाउन करते हैं, अब ये तो हमारा जो पैरामीटर है इसकी चार्जिंग का रेटिंग है वो तो हमारा 5 वोल्ट है कि इसको जो है डाउन करेगा तो 5 वोल्ट तक इसे जो है चार्ज करेगा ये, क्योंकि जब लो बैटरी हमारी बताएगी तो DC जो है 10 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पर आ गया और इन्वर्टर हमारा लो बैटरी बता दिया, लो बैटरी बता के बंद हो गया। अब ये जो है जब लाइट आएगी तब यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू करके फिर आस्ते 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 ये 12 घंटा 10 घंटे में जो है यहाँ पे कवर कर देगा ये 14.4 वोल्ट। फिर ये जो है हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, फिर चार्जिंग बंद कर देगा चार्जिंग। ठीक है, फिर ट्रिकल चार्जिंग चलता रहेगा। अब ये जो है अचानक मान लीजिए किसी कंडीशन में आपने कोई अलग लोड इस पर दे दिया, फैन का या कोई अलग DC सोर्स जो डायरेक्ट लगा दिए, और उससे आप 10 वोल्ट जो बैटरी हमारी डाउन हुई है उसके बाद यहाँ पे आपने यूज किया है, और यूज करने के बाद अब यहाँ पे नॉन कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल नहीं है कि 10 वोल्ट के बाद जब तक इस बैटरी में जान रहेगी तब तक यहाँ पे लगने वाला लोड वो चलता रहेगा। अब बैटरी पूरी तरीके से डाउन हो गई, मान लीजिए 5 वोल्ट तक बैटरी आ गई यहाँ पे, 5 वोल्ट 6 वोल्ट। अब जब लाइट आया तो ये जो आपकी बैटरी पहले यहाँ पर 10 वोल्ट आना चाहिए था, अभी आकर उतर कर यहाँ पहुँच गया। अब इसका जो पैरामीटर है इन्वर्टर का, उसका है 5 स्टेप यानी 5 वोल्ट तक का चार्ज करने का। अब यहाँ पर शुरू करेगा 5 वोल्ट से तो 5 5 यहाँ पर आएगा 10 वोल्ट। ठीक है, अब ये 10 वोल्ट पे यहाँ मान लीजिए आकर ये रुक गया, अब आगे की ग्रेविटी को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे कवर करेगा, क्योंकि इसका जो पैरामीटर था वो था 5 वोल्ट तक का। अब ये जो है इसकी रिकवरी, जब इसका जो एम्पियर होता है इतना परसेंटेज रखा जाता है कि लाइट आने पे ये वहाँ से स्टार्ट करेगा और इसके बाद यहाँ आते आते बैटरी को फुल कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब बैटरी हमारा वो इन्वर्टर लो बैटरी बता दे तो उसके बाद जो है आपको इसको यूज नहीं करना चाहिए, बैटरी को इतना डीप तक नहीं ले जाना चाहिए। ये लेड एसिड की बैटरी की बात कर रहे हैं, लिथियम में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिलहाल लिथियम की हम बाद में बात करते हैं, अभी हम लेड एसिड की बात करते हैं जो इस समय हमारे घरों में यूज हो रहा है, जो काफ़ी मात्रा में इसे जो लोग खरीदे हैं और यूज भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे गर्मी का दिन है, गर्मी में बैटरी का जो प्रॉब्लम आता है वो पावर कट ऑफ को लेकर, या कई कई जगह पे जो काफ़ी टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, तो उस केसेस में जो है बहुत सारे ये रीज़न देखने को मिलते हैं कि बैटरी को बैकअप को लेकर जो प्रॉब्लम आता है या इशू आती है। तो इस पे हम आगे इसके बारे में और बताते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पावर कट की भी प्रॉब्लम है तो कई सिचुएशन ऐसा होता है जो इसके डीप में जाने का रीज़न होता है। तो आज हम पहले तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है इसका डिटेल आप समझें कि जैसे एक बैटरी है, बैटरी में ये 12 वोल्ट की बैटरी है यानी 12 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी में माइनस और प्लस यानी धन और ऋण, ठीक है, दो पॉइंट होते हैं, निकले होते हैं। इसके इंटरनल 6 सेल लगे होते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 सेल हैं, और ये दो दो वोल्ट के एक एक सेल होते हैं, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है, ये दो दो वोल्ट के हैं।
अब ये जब चार्ज होते हैं तो यहाँ पे 2.4 वोल्ट होता है, जो कि टोटल वोल्ट हो जाता है 14.4 यानी 14.4 जब ये बैटरी फुल चार्ज होता है। इसको ध्यान से मतलब सुने, चार्जिंग के पोजीशन की वोल्टेज। जब ये बैटरी के इंटरनल यानी यहाँ के अंदर जो जैसे इसमें ऐसे बना होता है ना, जहाँ पे एसिड हम डालते हैं, एसिड या पानी, ऐसे एक एक होल होता है, ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है 6 होल होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये हो गया दो, एक हो गया तीन, एक हो गया चार, एक हो गया ये पाँच, एक हो गया ये छः। अभी 6 होल में देखिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें पानी ख़त्म हो जाएगा, इसमें सब में पानी रहेगा, कभी कभी 3 में कम हो जाएगा यानी अनबैलेंस हो जाएगा, जिसे बोलते हैं डिसबैलेंस। अब ये जब डिसबैलेंस हो जाते हैं सेल, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि बैकअप हमको ठीक से नहीं मिलता। अब उसमें रीजन कई हो सकते हैं कि इंटरनल एक प्लेट का हार्ड होना या पानी के कम हो जाने से। तो यही चीज़ें अब देखिए जो लिथियम की बैटरियाँ आ रही हैं उसमें BMS टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जिसमें एक एक सेल को उसमें एक साथ चार्ज किया जाता है, यानी एक एक सेल का जो है सूचना उसमें इंफॉर्मेशन रहता है कि किस सेल की क्या कंडीशन है, और एक साथ में सारे मतलब 6 के 6 सेलों को जो है एक साथ में चार्ज किया जाता है, जिसकी मेंटेनेंस एक एक सेल का भी रहता है उसमें। इसमें क्या है, इसमें सीरीज में जुड़े हुए एक एक सेल को चार्ज किया जाता है, इसके माइनस यानी निगेटिव और पॉजिटिव से, ठीक है। अब इसमें डिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ, अभी तो फुल चार्ज हो गया 14.4 यानी 14.4। अब डाउन का जैसे ये 2 वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का सेल है, अगर ये मिनिमम यानी कम से कम इसको 1.8 यानी 1.8 वोल्ट तक जो है इसे डिस्चार्ज करना चाहिए। इससे नीचे डिस्चार्ज करने पे ये क्या होता है, ये हमारा डीप में जाने का वो ज़्यादातर संभावना हो जाता है। डीप में क्या होता है, डीप में जाने का मतलब जैसे कि कोई चीज़ कोमा में हो जाए, जब वो 8 वोल्ट से नीचे चला जाता है और 8 वोल्ट तक अगर रहता है, 8 से ऊपर अगर रहता है, तो कोई भी PCB है इन्वर्टर का, तो वो 8 वोल्ट तक बहुत अच्छा तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC लगी होती है, जो कि जैसे सिस्टम हमारा 5 वोल्ट पे काम करता है, और वहाँ पे जो हमारा 324 है, वहाँ पे जो 12 वोल्ट उसको दिया रहता है या 8 वोल्ट तक होता है, तब तक वो जो है ठीक से इसका बैटरी का मेंटेनेंस मतलब मेंटेनेंस कर लेता है। लेकिन उससे जब डीप में चला जाता है 7 वोल्ट 6 वोल्ट, तब उसे रिकवरी करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है इसकी चार्जिंग को लेकर, ठीक है। अब देखें 1.8 वोल्ट यानी आपका जो मिनिमम है, अब 1.8 वोल्ट को अगर हम काउंटिंग करेंगे तो ये टोटल होगा हमारा 10.8 वोल्ट, ठीक है। जैसे जैसे कोई कोई इन्वर्टर जो है 10.5 वोल्ट पे ये जो है डिस्चार्ज कर देते हैं। अब इससे नीचे आप आएंगे तो 10.7, ये सबसे इसका पीक यानी सबसे जो है पीक सॉरी मिनिमम, जहाँ पे बहुत ही खतरा रहता है कि अगर यहाँ पे पहुँच गया 1.7 पे, जिसका टोटल टोटल वोल्टेज होता है 10.2, ठीक है, इसीलिए 10 वोल्ट तक लाकर रोक दिया जाता है, क्योंकि इससे नीचे अगर बैटरी को डाउन किया जाएगा, जैसे इस समय क्या है, कुछ लोग बैटरी अगर डाउन हुआ इन्वर्टर बीप दे दिया लो बैटरी, उसके बाद कोई लोग यहाँ पे DC फैन लगा कर यूज कर लिए। अब DC फैन अगर लगाएंगे इन्वर्टर तो लो बैटरी का इंडिकेट कर रहा है कि बैटरी को इससे नीचे डाउन मत करो, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लीजिए टेम्परेचर जहाँ हाई है गर्मी को देखते हुए वहाँ पे DC फैन यूज कर लिए। अब DC फैन यूज कर ले करने का रीज़न होता है कि आप 10 वोल्ट से नीचे उसे डाउन कर रहे हैं, अगर उस कंडीशन में 24 घंटे लाइट नहीं आई तो इसको डाउन करते करते आप नीचे पहुंच जाएंगे, जहां पे 7 वोल्ट तक पहुंच जाएगा। अभी इस मोटर को यानी जो फैन आप लगाए हैं डायरेक्ट DC फैन या कोई भी DC डायरेक्ट लोड दे रहे हैं, जहां पे इसके बैटरी को डाउन का जो मतलब प्रोटेक्शन होता है, वहां पे कोई प्रोटेक्शन होता नहीं कि उसके बाद उसको बंद कर दे, वो डायरेक्ट रहेगा, वो जब तक इसमें जान रहेगा तब तक चलाता रहेगा। अब लाइट आई तो तुरंत ये जो है चार्ज करने के लिए, अगर यहाँ पे है इसका मतलब 10.2 है,
थोड़ा सा ही डाउन हुआ है, 1-2 घंटे तक यूज किया तो कोई बात नहीं, ये तुरंत उतना रिकवर कर लेगा इन्वर्टर। लेकिन आप नीचे गए हैं अब उस समय यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। अब आपको अगर सेल के कंडीशन चेक करना है तो यहाँ पे मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर, जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया था, तो इसके इंटरनल आप देखेंगे तो इसी के पॉइंट यहाँ पर जैसे ये है ऐसे जुड़ा रहेगा, और ये ऐसे जुड़ा रहेगा। अभी इस कंडीशन में किसी भी एक प्लेट की खराबी की वजह से तो भी ये चार्जिंग और बैकअप दोनों में ये प्रॉब्लम करेगा, यानी चार्जिंग के समय भी जो है ये चार्ज ठीक से नहीं होगा, और बैकअप देने के समय भी एक प्लेट की वजह से इस पे आपको बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो इस सारे चीज़ों को टेस्ट करने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि सारे सेल्स का जो वोल्टेज है उसे आप चाहे इधर से चाहे इधर से, इसके मतलब ये ढक्कन है इसे खोल लें, ये जो जहाँ से पानी और या डिस्टिवाटर डाला जाता है, एसिड डाला जाता है। और दूसरी बात, एक सावधानी और रखें कि कहीं भी वहाँ पे मोमबत्ती का या कहीं भी स्पार्क ऐसे चीज़ों का यहाँ पे यूज ना करें, क्योंकि अगर कहीं कंडीशन में अगर यहाँ पे चार्ज हो रहा है, आपने माचिस से या मतलब उसमें कोई ऐसे स्पार्क चीज़ों को नज़दीक ले गए तो बैटरी ब्लास्ट होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। ये किस कंडीशन में, जब ये बैटरी चार्ज हो रही हो और इसमें से भाप निकल रहे हो, उस कंडीशन में जरा सा भी इतने दूर तक अगर ले जाएंगे तो भी ये बैटरी ब्लास्ट होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, अब दूसरी बात आता है कि यहाँ पे जो चार्जिंग को लेकर, कि जैसे ये देखें, ये लुमिनस के द्वारा ये निकाला गया चार्जिंग चार्जर है, जब बैटरी डीप में जाती है या बैटरी को मेंटेन करना होता है तो ये 5 एम्पियर का करंट देता है। ठीक है, ये SMPS चार्जर है, और इसे हम यहाँ पर लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, 24 घंटे में ये बैटरी को मेंटेन कर देता है ये 5 एम्पियर से। जबकि जो चार्जिंग यहाँ पर किया जाता है इन्वर्टर के द्वारा, तो इन्वर्टर के द्वारा ये जो चार्जिंग होता है यहाँ पे 15 एम्पियर 18 एम्पियर जो भी इस रेजिस्टेंस के द्वारा, या यानी ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर बनाया है, ये अब तो शंट यूज किए जाते हैं, लेकिन 4 रेजिस्टेंस देखेंगे उस PCB में होगा जो कि इन्वर्टर के अंदर लगा होगा। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे मिल रहा है इसको एम्पियर, ये इसके द्वारा इन्वर्टर के द्वारा, ये यहाँ से आने वाला इन्वर्टर से इसका 15 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी डिजाइन किया गया है उसके अनुसार यहाँ पर मिलेगा। अब अगर आपका इन्वर्टर फुल बता दिया चार्ज नहीं है, फिर आप वोल्टेज चेक किए तो वोल्टेज चेक करने पे डाउन है, तो अब आप क्या करेंगे, इस चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 5 एम्पियर का चार्जर है SMPS, और इसे लगा कर छोड़ दें, और इसको आप खुद भी बना सकते हैं ये SMPS चार्जर। इसका हम आगे बताएंगे कि कैसे इसका आप खुद भी बनाकर डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसका और भी जो कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि इसका मतलब अस्थाई विकल्प क्या है, तो अस्थाई विकल्प ये है कि कुछ इन्वर्टर ऐसे आ रहे हैं, जैसे स्वास्तिका का इन्वर्टर ले लीजिए जिसमें ATC, तो उसमें क्या है कि उसमें जो सिस्टम है एक टम्परेचर सेंसर लगा हुआ है इन्वर्टर पे। ठीक है, और इन्वर्टर जो है बैटरी के पास में होता है, बैटरी के पास में होने के कारण यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, जो यहाँ की स्थिति होती है, जैसे कुछ लोग सीढ़ी के नीचे लगाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे जैसे ऊंचे जो स्टेप बने होते हैं जहाँ पे रखते हैं, कुछ लोग बाहर रखते हैं कि जहाँ पे मॉइस्चर होता है, मतलब इसके जो रखने का जो स्थान होता है वहाँ पे डिपेंड करता है इसकी जो चार्जिंग, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर अगर बाहर से रहे और अंदर का टेम्परेचर तो भी इस बैटरी के लिए वो प्रॉब्लम है, खतरा है। अभी ATC सिस्टम क्या करता है कि वो टेम्परेचर जो ऑटोमेटिक सेंसर है वो वहाँ के टेम्परेचर को सेंस करके और फीडबैक के रूप में इन्वर्टर के इंटरनल जो उसका कमांड IC लगा है वहाँ पे उस सेंस करके उसको जो है इन्फॉर्मेशन देता रहता है, उसी के अनुसार उस IC के अंदर जो सॉफ्टवेयर पैरामीटर के रूप में सेलेक्ट किए रहते हैं उस पैरामीटर को वो चेंज कर देता है। वो किसके अनुसार, वहाँ के जो टेम्परेचर है उसी के अनुसार वो चेंज कर देगा। चेंज करने का मतलब यह है कि जैसे वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है, अब क्या करेगा, उस चार्जिंग को बढ़ा देगा। अगर वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है, अब क्या करेगा, इसके एम्पेयर को कम कर देगा।
तो यानी कम और ज़्यादा करके इस बैटरी को मेंटेन कर दे, इससे इसकी बैटरी की लाइफ भी मेंटेन रहती है उस इन्वर्टर से। और वो मान लीजिए आपके पास बहुत ही पुराने इन्वर्टर हैं तो भी आप उस इन्वर्टर को बाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप इसको बैकअप के रूप में पुराने इन्वर्टर को रख सकते हैं जो कि कभी भी रियर कंडीशन में काम में आ सकता है आपको, और इस समय का प्रॉब्लम जो है उससे आपका उस इन्वर्टर से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो बार बार चार्जिंग कराने के लिए और इसके बैटरी चार्जर खोजने के लिए, ये टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस समय देखिए वैसे टेक्नोलॉजी बैटरी का चेंज हो चुका है, लिथियम टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन अभी और ख़ुद अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए जो जो सावधानी दिए हैं उस सावधानी को आपको फॉलो करने होंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि जैसे छोटी बैटरी है और यहाँ पर अगर हम बैटरी को यूज करना चाहें, यानी अगर ये बैटरी फॉल्ट हो गई है और हमारे पास कोई मारुति की बैटरी है या जैसे 45 AH की या 65 या 90 AH की बैटरी है, तो ये क्या होता है, ये 150 AH या 160, 180, 200 AH की से ये काफ़ी डिफरेंस है। अब इसमें अगर इस जगह पे आप इस बैटरी को यूज करेंगे तो ये बैटरी तुरंत फुल बता देगा भले ये नया है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बैटरी का जो कैपेसिटी होता है 150 AH, 150 AH बैटरी अगर है तो इसकी जो चार्जिंग रेट होगी इसका 1/10 होना चाहिए, यानी जो कैपेसिटी है इसका 1/10। जैसे 100 AH है तो उसका 1/10 10 एम्पियर हुआ, ठीक है, और 150 AH है तो उसका 1/10 15 एम्पियर हुआ। अब यहाँ पर आ जाइए कि जैसे ये इन्वर्टर जो लगा है हम हमारे पास, ये इस इन्वर्टर से इसको 15 एम्पियर मिल रहा है, 20 एम्पियर मिल रहा है, लेकिन इसी जगह पे अगर हम इसको 90 AH को यूज़ करते हैं तो 90 AH का मतलब यहाँ पे 9 एम्पियर होना चाहिए। अब 9 के जगह पर यहाँ पे 15 है तो इसको देखिए, या 20 है तो इसका डस्ट डबल हुआ। अब एम्पियर बढ़ेगा तो एम्पियर तुरंत जैसे इन हुआ, तो जैसे कोई चीज़ होता है कि उसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे जब ओवर आप उसमें इन कराते हैं तो तुरंत वो अपने से ज़्यादा वाटेज होने से, अपने से ज़्यादा करंट होने पर वो तुरंत मतलब वो रिवर्स कर देता है। उसको रिवर्स करने का मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो चार्ज नहीं होगा। अब उसी कंडीशन में अगर इसके एम्पियर को कम कर दिया जाए चार्ज होने लगा, यानी 5 एम्पियर कर दिया जाए, अब इस सिस्टम को देखें तो ये भी सिस्टम जो है आपको स्वास्थ्य का के इन्वर्टर में मिलेगा, जिसमें पी उसके बैक साइड में होता है एक बैटरी सिलेक्शन जो स्विच होता है, वहाँ पे आप जो है छोटे से बैटरी से लेकर बड़े बैटरी तक का जो है, यानी बड़े कैपेसिटी तक का जो है आप जो है उसके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस समय मार्केट में जो लिथियम बेस्ड के बैटरी आ रहे हैं कि यानी उसी इन्वर्टर में बैटरी भी लगे होते हैं, या उससे बहुत यानी इस बैटरी के साइज़ से बहुत ही कम छोटे में स्पेस में जो है लिथियम के बैटरी यूज किए गए हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता पानी को लेकर, क्योंकि उसमें जो इंटरनल बैटरी के अंदर लगे होते हैं BMS, ठीक है, वो सारे सेल्स को एक साथ चार्ज करते हैं। जैसे इसमें सीरीज में चार्ज होता है, ऐसे उसमें पैरेलल में जो है सारे सेलों को एक साथ चार्ज किया जाता है। जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें आपको ये टेंशन नहीं है कि हमारा जो है इसमें पानी है कि नहीं है, उसको लगा लगा दीजिए और भूल जाइए, ठीक है, क्योंकि वो सारे सेलों को मेंटेन करता रहता है। और एक साथ उसकी जो स्मार्ट BMS होने के वजह से जो इसमें इस समय जो टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी प्रोडक्शन हो जाता है बैटरी को।